जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में राम नाम की महिमा के विषय में कहते हैं, पद संख्या 226 के अंतर्गत। भरोसो जाही दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम कल्प तरु, कली कल्याण करो। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो। मोहे तो सावन के अंधे ज्यू, सूझत रंग हरो। भावार्थ में कहते हैं, जिसे दूसरे का भरोसा हो सो करे। मेरे लिए तो इस कलयुग में एक राम नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसमें कल्याण रूपी फल फला है। भाव यह है कि राम नाम से ही मुझे तो यह भगवत प्रेम प्राप्त हुआ है। यद्यपि कर्म उपासना और ज्ञान ये वैदिक सिद्धांत सभी सब प्रकार से सच्चे हैं, किंतु मुझे तो सावन के अंधे की भांति जहां देखता हूं वहां हरा ही हरा रंग दिखता है। मैं कुत्ते की नाई पत्तलों को चाटता फिरा, पर कभी मेरा पेट नहीं भरा। आज मैं नाम स्मरण करने से अमृत रस परोसा हुआ देखता हूं। मैंने अनेक देव भोग्य भोग भोगे, परंतु कहीं तृप्ति नहीं हुई। पूर्ण नित्य परमानंद कहीं नहीं मिला। अब श्री राम नाम का स्मरण करते ही मैं देख रहा हूँ कि मुक्ति का थाल मेरे सामने परोसा रखा है, अर्थात ब्रह्मानंद रूप मोक्ष पर तो मेरा अधिकार हो ही गया। परोसी थाली के पदार्थ को जब चाहूँ तब खा लूँ। इसी प्रकार मोक्ष तो जब चाहूँ तभी मिल जाए, परंतु मैं तो मुक्त पुरुषों की कामना की वस्तु श्री राम प्रेम रस का पान कर रहा हूँ। मेरे लिए राम नाम स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही साधक हैं। स्वार्थ और भगवत प्रेम रूपी परम अर्थ दोनों ही मुझे श्री राम नाम से मिल गए। यह बात हाथी है या मनुष्य किसी दुविधा भरी नहीं है, क्योंकि मुझे तो प्राप्त है। मैंने सुना है कि इसी नाम के प्रभाव से बंदरों की सेना पत्थरों का पुल बनाकर समुद्र को पार कर गई थी। जहाँ जिसका प्रेम और विश्वास है वहीं उसका काम पूरा हुआ है। इसी सिद्धांत के अनुसार मेरे तो माए बाप दो आखर र और म हैं। मैं तो इन्हीं के आगे बाल हट से अड़ रहा हूँ, मचल रहा हूँ। यदि मैं कुछ भी छिपाकर कहता हूँ तो भगवान शिवजी साक्षी हैं। मेरी जीभ जलकर या गलकर गिर जाए, यह कभी कल्पना या अतियुक्ति नहीं है, सच्ची स्थिति का वर्णन है। यही समझ में आया कि अपना कल्याण एक राम नाम से ही हो सकता है। अब अगले पद में गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम राम रावरोई हित मेरे, स्वार्थ परमार्थ साथिन सो, भुज उठाई कहूँ टेरे। भावार्थ में कहते हैं, हे राम जी, आपका नाम ही मेरा तो कल्याण करने वाला है। यह बात मैं हाथ उठाकर स्वार्थ के और परमार्थ के सभी संगी साथियों परिवार के लोगों से और साधकों से पुकार कर कहता हूँ, घोषणा कर रहा हूँ। माता पिता ने मुझे उत्पन्न करके ही छोड़ दिया था। ब्रह्मा ने भी अभागा और कुछ बेढब सा बनाया था, फिर भी कोई कोई मुझे राम का दास कहते हैं। यह किस अभिप्राय से कहते हैं? यह राम नाम का ही प्रताप है। जब मैं राम नाम के शरण नहीं हुआ था, तब मैं पेट भरने को द्वार द्वार पर ललचाता फिरता था। मेरी ओर देखकर दुख को भी दुख होता था। मेरी ऐसी बुरी दशा थी। श्री राम की कृपा से पहले मेरे लिए जो बबूल और बेहड़े के वृक्ष थे, उन्हीं पेड़ों से मुझे अब आम के फल मिल रहे हैं। जहाँ जगत दुखों से भरा दिखता था, भासता था, वहाँ आज सब सिय राम रूप दिखने के कारण वही सुखमय हो गया है। संत जन तो शास्त्रों को सुनकर और उसके अनुसार मनन कर अनेक साधनों से अपना लोक और परलोक बना लेते हैं, परंतु तुलसी के तो एक राम नाम का ही अवलंबन है। जैसे गांठ तो एक ही होती है, लपेटे चाहे जितने हों, इसी प्रकार साधन चाहे कितने हों जितने हों, सबका आधार तो एक राम नाम ही है। अगली पद में कहते हैं,
228 पद संख्या। प्रिय राम नाम ते जाही न रामो, ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ, आदि मध्य परिणामों। भावार्थ में कहते हैं, जिस श्री राम जी भी राम नाम की अपेक्षा अधिक प्यारे नहीं हैं, जिसे श्री राम जी भी राम नाम की अपेक्षा अधिक प्यारे नहीं हैं, यदि कोई कहे कि तुम्हें राम मिल जाएंगे पर राम नाम छोड़ना होगा, तो वह इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता। वह कहता है कि यदि श्री राम के मिलने से राम नाम छोड़ना पड़े तो मुझे श्री राम के मिलने की आवश्यकता नहीं, मुझे तो उनका नाम ही सदा चाहिए। ऐसे नाम प्रेमी से राम कितना प्रेम करते हैं सो तो केवल राम ही जानते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि जो इस प्रकार राम नाम का मतवाला है, उसका इस कराल कलिकाल में आदि मध्य और अंत तीनों ही कालों में कल्याण होगा। नाम की महिमा समझकर अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध और काम सकुचा जाते हैं, सामने नहीं आते। जो सज्जन सदा राम नाम का जप करते रहते हैं, उन पर कड़ी धूप भी छाया कर देती है, महान से महान दुख भी सुख रूप बन जाते हैं। यदि कोई कहे कि नाम के प्रभाव से पत्थर में कमल उत्पन्न हो गया, तो उसे भी सच ही समझना चाहिए, क्योंकि राम नाम के प्रभाव से असंभव भी संभव हो जाता है। जिस नाम को सुनने और स्मरण करने से भीलनी शबरी भी परम भाग्यवती तथा शील और पुण्यमयी बन गई, उससे क्या नहीं हो सकता। वाल्मीकि और अजामिल के पास तो कोई भी साधन की सामग्री नहीं थी, किंतु उन्होंने भी उल्टे पुल्टे राम नाम के महात्म्य से घुंघचियों से जवाहरात जीत लिए, परम रतन परमात्मा को प्राप्त कर लिया। नाम की शक्ति श्री रघुनाथ जी से भी अधिक है, क्योंकि श्री राम जी इस नाम से ही वश में होते हैं। इस राम नाम ने ग्रामीण मनुष्य को चतुर नागरिक बना दिया, असभ्यों को परम पुनीत महात्मा बना दिया, जिसे जपकर श्री तुलसीदास सरीखे बुरे जीव भी डंके की चोट अच्छे हो गए, फिर कहने को क्या रह गया। जय श्री राधे। जय श्री राधे।